Let's talk about risk factors of sleep apnea. The first and foremost is sex. अगर हम सेक्स की बात करें तो मेल प्रेडोमिनेंस स्लीप एपनिया में देखा गया है. सेकंड कम्स द एज. इट इज़ स्लीप एपनिया इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ एज. इट कैन अकर इन एनी एज. बट एक इंटरनेशनल स्टडी में ये देखा गया कि 50 और 60 की डिकेड ऑफ लाइफ के इंडिविजुअल में स्लीप एपनिया ज़्यादा देखा गया है. कुछ एनाटॉमिकल पोजीशंस की वजह से, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस की वजह से भी स्लीप एपनिया हो सकता है. जैसे किसी का हाई सेट पैलेट है, किसी को डेविएटेड नेजल सिम्टम्स हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें स्लीप एपनिया एनाटॉमिकल वेरिएशन की वजह से हो सकता है. किसी को अगर एलर्जिक कंडीशन है, रिकरेंट नेजल कंजेशन, साइनोसाइटिस रहता है, नेजल ब्लॉकेज रहता है, तो वो भी एक स्लीप एपनिया के लिए रिस्क फैक्टर होता है. अनदर इम्पॉर्टेंट एंटिटी इज़ वेट. अगर आप ओबीस हैं या वेट आपकी हाइट वेट के हिसाब से ज़्यादा है तो आप रिस्क फैक्टर की कैटेगरी में आते हैं. स्मोकिंग अनदर रिस्क फैक्टर. नेक सर्कम्फ्रेंस मेल्स में 17 इंचेस से ज़्यादा और फीमेल में 16 इंचेस से ज़्यादा एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है फॉर एन इंडिविजुअल टू डेवलप स्लीप एपनिया. अगर हम स्लीप एपनिया को डायग्नोस नहीं करते या उसको करेक्ट नहीं करते, इट कैन लीड टू मेजर कॉन्सिक्वेंसेस इन आर हेल्थ. जैसे वी डेवलप स्लीप डिप्राइवेशन. हम दिन भर थके थके फटीग महसूस करेंगे, हमारी वर्क क्वालिटी डिप्लीट करेगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिप्लीट करेगी, जो वेट गेन की वजह से अदर कॉन्सिक्वेंसेस, कार्डिक कॉन्सिक्वेंसेस, पल्मोनरी कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब बढ़ते चले जाते हैं. सो डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग स्लीप एपनिया इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड एनी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस इन आर लव्ड वंस. थैंक यू.